गणपति बाप्पा मोरिया। गुरखा में ड्राइव करने का ये फायदा है शायद कि तो 650-650 किलोमीटर जर्नी करने के बाद ऑलमोस्ट 12 घंटे गाड़ी में बैठने के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन। तो ये अब हम सामान सेट करने लगे हैं। तो यहाँ पे अभी आएगा चीका ऐश का बेड, जो इन्फ्लेटेबल बेड हमने लिया है, और ये उनका फूड बैग। तो हमने एक्चुअली क्या किया कि थोड़ा सा 2-3 दिन का फूड निकाल लिया पैकेट में, और ये जो बड़ी बैग है वो नीचे डाल रहे इनके बेड के, ताकि हर रोज़ हम लोग को वो बड़ी वाली फूड बैग लेके होटल या कहीं जाने का मतलब वो नहीं बनेगा। तो इसीलिए हमने छोटे बैग में निकाल लिया है उनका सामान, बेसिक जो उनके फूड बाउल, उनका फूड और एक उनका बेडिंग चादर, वो हमने एक छोटे बैग में रख दिया है। वो सामने रख देंगे हम लोग यहाँ पे कहीं पे। और इसमें है हमारे एक्स्ट्रा शूज और पानी की बोतल वगैरह सब रखी है हमने नीचे, ये सब पानी की बोतल वगैरह एक्स्ट्रा वाली, तो ये भी हम लोग को रोज नहीं लगेगा, तो इसलिए ये आएगा यहाँ पे। और ये इसमें है इनका सब चीका ऐश का सामान, जो एक्स्ट्रा सामान टॉयज और ट्रीट्स और वेट पाउचेस उनके फूड के, और एक्स्ट्रा शीट्स, चादर बेड शीट्स और एक्स्ट्रा टॉवल वगैरह, वो सब इसमें है। और इसमें हमारा ह्यूमन का थोड़ा सा खाने का सामान है, तो ये अभी हम लोग यहाँ रख के देख रहे हैं बीच में। तो विजेंद्र कह रहा है कि यहाँ से हम लोग एक्सेस कर पाएंगे इसे बेड होने के बाद भी, तो अभी देखते हैं, बिकॉज सामने हम लोग को लैपटॉप बैग भी रखनी है वहाँ पे, कुछ हमारा जो एक्सेसरीज वगैरह होगी गोप्रो की शूटिंग की, तो वो जो लगेगी, बिकॉज हर बार गाड़ी रुक के पीछे आके वो सब नहीं निकाल पाएंगे, तो वो लैपटॉप बैग वहाँ रखनी है, तो ये फूड का यहाँ रखेंगे। और लेट्स होप, अभी अब बेड फुला के देखते हैं, सब सेट करके देखते हैं कि वहाँ से ये एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। बाकी ये तो सेट हो गया मस्त, ये इसके सीट के लेवल पे आ गया है, तो इसीलिए ये अच्छा हो गया। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट मतलब उनके लेवल पे आ जाएगा, तो एटलीस्ट वो नीचे गिरने का चांस नहीं है उनका। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे पीछे आएंगे हमारे 2 रक्सैक्स और हमारी 1-2 छोटी बैग। ये जगह ओपन रहे चीका ऐश को नीचे उतरने और चढ़ने के लिए, तो यहाँ पे 2 हमारी रक्सैक्स आ जाएगी। तो सामान फिट होने वाला है सही से, ऐसा लग रहा है। कम पैकिंग किया है हमने, बहुत ज़्यादा पैकिंग नहीं किया है, तो लेट्स होप सब फिट आ जाए। अभी हम ये ट्रिप ए और बी जो मीटर है इसको सेट कर लेते हैं, उसको जीरो कर देते हैं। अभी ये ट्रिप ए आ गया, ट्रिप ए जीरो पे सेट हुआ। ट्रिप ए हम ये पूरे ट्रिप का रखेंगे, और ट्रिप बी फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर डेस्टिनेशन रखेंगे, तो वो भी जीरो कर देते हैं। यहाँ से देखते हैं इंदौर कितना है। ये हमारा नॉर्मल ओडोमीटर टोटल किलोमीटर, ये ट्रिप ए का जीरो कर दिया, ये ट्रिप बी का। गणपति बाप्पा एवरीवन। अभी बज चुके हैं 6:15 बज चुके हैं, हम लोग घर से निकले 4:15 बजे,
और ये सनराइज हो रहा है, देखो यहाँ पे हो रहा है सनराइज और यहाँ पे हमें देख रहा है मून। क्या खूबसूरत नज़ारा है जब ऐसा कुछ दिखता है, और ये ऐसे नज़ारे तभी दिखते हैं जब आप रोड पे हो, यानी जब आप ट्रैवल कर रहे हो। तो अभी हम लोग नासिक हाईवे पे है, ऑलमोस्ट हम लोग 100 किलोमीटर आ चुके हैं, और ये हमारा गोप्रो पता नहीं क्या हो गया है, हम लोग का गोप्रो साथ नहीं दे रहा है। अभी सोचा कि गोप्रो में शूट करते हैं बट ऑन ही नहीं हो रहा है, बैटरी चेंज वगैरह करके देख रहे हैं अभी, तो देखते हैं कि चालू होगा या नहीं होगा। अभी तो आईफोन से शूट कर रहे हैं, और ये दोनों मस्त बैठे हैं यहाँ पे, ये सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है इनके लिए, ये तो सो गई है और ये मैडम यहाँ पे सो रही है। तो अभी निकलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते बिकॉज हम लोग को बहुत लंबी जर्नी कवर करनी है आज। तो आगे की जर्नी जैसे जैसे होगी, गोप्रो चालू होगा कि नहीं और क्या क्या होने वाला है आपको आगे दिखाई देगा। आज है 6th of June और हम निकल चुके हैं हमारे एक और एडवेंचरस जर्नी के लिए। इस बार बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है बिकॉज हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ जाना है। तो आज हम जा रहे हैं इंदौर। तो लास्ट टाइम जब हम हिमाचल गए थे तो हमने नासिक में स्टॉप ओवर किया था और फिर हम इंदौर गए थे, बट इस बार हमने सोचा कि गुरखा है और चिका और ऐश भी बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो चुके हैं लॉन्ग जर्नीज के लिए, तो इसलिए हमने सोचा कि हम लोग इंदौर तक चला के देखते हैं। तो लगभग 10 से 11 घंटे की जर्नी है, 600 किलोमीटर दिखा रहा था। तो हम लोग सुबह निकले घर से 4:15 बजे, कल ही हमने सब सामान वगैरह पैक कर लिया था, तो सुबह आराम से मतलब टाइम से निकल पाए हम लोग। और अभी बज चुके हैं 7, तो ड्राइवर चेंज हो चुका है अभी, पहले विजेंद्र चला रहा था इतनी देर। हमने नाश्ता भी कर लिया, बहुत अच्छा नाश्ता मिला हम लोग को, पोहे खाए हमने, गुरुदेव करके एक रेस्टोरेंट था, क्लीन नीट वॉशरूम्स थे जो एस्पेशली मैं ढूंढती रहती हूँ। दिखा रहा है कि 4:30 बजे तक पहुँचेंगे इंदौर, इंदौर यानी जो हमारा डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम लोग आज रह रहे हैं, तो वहाँ जाके आपको बताएंगे कि कैसी जगह है और क्या। सिर्फ नाइट हॉल्ट करना था तो इसीलिए हमने बेसिक रूम चूज़ की है, हमने बहुत ज़्यादा फैंसी होटल वगैरह ऐसा चूज़ नहीं किया है बिकॉज आज हम पहुँचेंगे लेट। अभी 4:30 तो इसमें दिखा रहा है, बट हॉल लेके लंच के लिए हॉल लेंगे एक, और इनको घुमाने के लिए 2-3 हॉल्स लेंगे, तो वो सब मिला के शायद हम लोग 7 बजे ही पहुँचेंगे। और हमको अभी एक हमारे सब्सक्राइबर मिले, पीछे के गाड़ी में आ रहे हैं, उन्होंने अभी हमको हाथ दिखाया और विंडो नीचे करने को बोला, हमें लगा क्या हुआ, तो वो बोले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा था उनकी गाड़ी मुझे में। लगा क्या हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि आई जस्ट वॉच रिसेंटली वॉच्ड योर कर्नाटका गोवा ट्रिप। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे मतलब सब्सक्राइबर्स मिलते हैं ऑन द वे। तो इस बार क्योंकि हमारी लॉन्ग जर्नी थी और हमें बहुत ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लेने थे, हम लोग आधे से ज़्यादा तो डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। अभी दिखा रहा है 5 घंटे, करीब 276 किलोमीटर्स बचे हैं अभी, तो हम लोग 5 बजे तक वगैरह पहुँच जाएंगे। अभी एक हाथ ब्रेक लेंगे लंच के लिए और एक दो ब्रेक और लेंगे चिकाश को घुमाने के लिए, तो इसलिए हमने ये सब स्नैक्स वगैरह कैरी किए घर से, ड्राई फ्रूट्स लिए, कुछ चॉकलेट्स लिए हैं और कुछ नमकीन वगैरह मम्मी ने दिया है। तो भूख लगती है तो हम लोग यही अभी मंच कर लेते हैं थोड़ा मोड़ा, ताकि अच्छा मतलब पेट भरा भरा भी रहे और ब्रेक लेने की वो क्रेविंग नहीं हो। अभी होटल सुरभि करके हम लोगों को मिला और हमने ऑर्डर किया है दाल तड़का और रोटी, विजेंद्र ने तंदूरी रोटी ली है और ये छाछ लिया यहाँ पे क्योंकि थोड़ी गर्मी लग रही थी, और मस्त खाट पे बैठे हैं और खा रहे हैं, तो अच्छा फील आ रहा है। और दाल रोटी सेफ है, हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो हम लोग
दाल रोटी खाना ही प्रेफर करते हैं बिकॉज सेफ ऑन स्टमक और लाइट होता है, नींद भी ज़्यादा नहीं है। चीका है, इसको वहाँ पे रखा है अभी गाड़ी में, उधर खड़ी है अपनी गुरखा, वो पेड़ के पीछे तो छाव मिली इसलिए वहाँ पे खड़ा किया। और हमने क्या किया कि हमने दो चाबियाँ ली है, मतलब घर से ही हम लोग दो चाबी लेके आए ताकि एक चाबी गाड़ी में ही लगी है उनको एसी में रख सकते हैं और एक चाबी अपने पास यहाँ पर है अभी। तो ये आइडिया हमने पहले ही लगा लिया था कि उनको एसी में रखना पड़े, अंदर गाड़ी बंद करनी पड़े, तो ये आइडिया अच्छा हो गया हम लोग के लिए। तो अभी मस्त फटाफट खाना खाते, तो हमारा खाना हो गया है अभी और यहाँ पे हमें दिखाई दिया ये आइसक्रीम पार्लर, तो देखते हैं चीका और आयश के लिए छोटा वनीला आइसक्रीम ले लेते हैं बिकॉज़ गर्मी बहुत है, एक दो दिन ही अभी गर्मी लगेगी, एक बार शायद पहाड़ों में जाएंगे तो इतनी गर्मी नहीं लगेगी, तो हम लोग तभी तो नहीं देंगे। और यहाँ पे भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसीलिए उनको एसी में ही रखा, सो रहे होंगे, अभी दिखाती हूँ आपको वहाँ जाके कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पे पहले देखती हूँ कि कप है कि नहीं। तो हमने ले लिया है वनीला आइसक्रीम और देखते हैं, इनके पास 10 वाला कप नहीं था तो ये यही वाला मिला जो अवेलेबल है। ट्रैवल में ज़्यादा खिचखिच नहीं करनी चाहिए। और आप देखो दोनों कितने मस्त सो रहे होंगे, आज तो यहीं से दिखाई दे रही। चीका ने तो अभी थोड़े से किबल्स खाए, आश ने नहीं खाए सुबह क्योंकि हम लोग 3-4 बजे निकले थे, इनको कुछ नहीं दिया था, कल रात को इनको अच्छा हैवी मील दिया था तो अभी ये दे देंगे। आश तो ये ज़रूर खाएगी, उठ गए दोनों। ये तो चीका को ये भी खाना है वो भी खाना है, हाँ बस ठंडे में सोना आइसक्रीम खाना, क्या ऐश है बाबा, है ना, बेस्ट लाइफ। तो अभी हम लंच करके निकल चुके हैं सुरभि होटल में, बहुत अच्छा खाना था, टेस्टी खाना था। और लगभग अभी बस 4 घंटे बाकी है और 247 किलोमीटर्स दिखा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि दो ड्राइवर्स होते हैं तो फ़ायदा होता है बिकॉज ऑल्टरनेटिवली मतलब बीच बीच में चेंज कर सकते हैं, बट फिर भी इतना लंबा ड्राइव हमने पहली बार शायद किया है कि एकदम 10-11-12 घंटे की ड्राइव है ये। तो गुरखा में ड्राइव कर रहे हैं तो बिल्कुल थकान नहीं लग रही है और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि बस अभी नींद आ रही है और यू नो कहीं पे रुक जाना है या खाना खाने के बाद भी, मतलब हम लोग देखो कितने एंथू है, ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सुस्ता नहीं गए हैं हम लोग। तो गुरखा में ड्राइव करने का ये फ़ायदा है शायद कि हम लोग को लॉन्ग जर्नीज इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती। चीका और आश तो देखो कितने मस्त, मतलब कंफर्टेबल, ये हमारा बहुत अच्छा डिसीजन था कि हमने ये इन्फ्लेटेबल बेड लिया और दोनों इतने कंफर्टेबल है, सो भी रहे बीच में, बैठ भी रहे, इनको बाहर दिख भी रहा है तो बैठते हैं तो इतनी हाइट आती है कि बाहर का इनको दिखता है, अगर हम लोग शायद सीट्स निकालते तो वो एकदम नीचे हो जाता और सामान का भी थोड़ा इशू हो जाता बिकॉज़ उनके ऊपर आता या हम लोग को ऊपर रखना पड़ता। तो ऊपर रखने का डिसीजन हमने इस बार नहीं लिया बिकॉज़ अभी हम लोग बारिश में जा रहे हैं तो वेदर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, तो और हमारी फर्स्ट ट्रिप है इतनी लंबी गुरखा में तो इसलिए हमने सोचा कि अंदर ही सामान रखते हैं, नेक्स्ट ट्रिप में शायद ऊपर रखेंगे और फिर सब कवर्स वगैरह ले लेंगे उसके लिए। तो इस बार अंदर ही सामान बहुत अच्छे से फिट हुआ, हम लोग को वो भी टेंशन था कि सामान फिट होगा कि नहीं बराबर से और ये दोनों कंफर्टेबल होने चाहिए, मेन हमारा मोटिव वो था, बट आई थिंक टच वुड दोनों ने बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। और ब्रेक्स वगैरह लेते हैं तो खाया पिया भी, अभी तो मस्त आइसक्रीम भी खा लिया तो मस्त अभी सो जाएंगे अच्छे से दोनों।
650-650 किलोमीटर जर्नी करने के बाद ऑलमोस्ट 12 घंटे गाड़ी में बैठने के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन।